हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विदाउट टाइम वेस्ट करें मैं आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा और सांभर। तो डोसे का जो बैटर है वो हमें एक दिन पहले ही रेडी करके रख देना होता है, ताकि अगले दिन उसमें फर्मेंट अच्छे से हो जाए। इसलिए मैंने वो चीज़ कली करके दे रखी। क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको पहले बता दूँ। तो मेजरमेंट के हिसाब से इस कटोरी से मैंने लिया है। सॉरी, मैंने आपको पहले जब मैं उसे वो पानी में सोखने के लिए उसको रखती थी तो मैं वो क्लिप ऐड नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं आपको मेजरमेंट इस कॉल से बता देती हूँ। तो मैंने इस कटोरी से 4 कटोरी चावल लिया है। कोई भी चावल आप ले सकते हैं, बस बासमती चावल ना हो। जो आप डेली अपना चावल खाते हैं, कोशिश करना कि वो मोटे चावल हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। डोसा आपका बहुत सॉफ्ट रहता है। तो मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। इस कटोरी से मैंने 4 कटोरी चावल लिया है और आधी कटोरी मैंने चने की दाल ली है और 1 कटोरी भर के मैंने इससे सफ़ेद उड़द की दाल ली है। और आप इसमें पोहा भी ऐड कर सकते हैं, बट पोहा मेरे घर में नहीं था तो मैंने वो नहीं ऐड किया है। और ये है मेथी, देखिए ये मेथी को भी मैंने अलग से भिगा के रखा था। इसे अलग से ही भिगाना है, नहीं तो जब आप सारा चावल दाल वगैरह सब आप भिगाएंगे ना तो उसमें इसका कलर आ जाता है येल्लो, तो वो इसलिए इसको हम अलग से भिगाएंगे, येल्लो कलर नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे फुला करके काफ़ी देर तक रख दिया था। मॉर्निंग में मैंने फूलने के लिए रख दिया था और अब शाम हो गई है, कल बनाना है मुझे, तो मैं आज रात में इसे फ्रीज करके रख दूँगी ताकि इसमें फर्मेंट काफ़ी अच्छे से हो। और हम फर्मेंट के लिए ही इस मेथी को डालते हैं ताकि काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो। तो मैं पहले इसे पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है और कैसे करना है। तो फटाफट से पीस लेते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, कोशिश करना है कि हम इसमें पानी कम से कम डालें। कम से कम क्या, थोड़ा सा तो रहना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा एक स्मूथ बैटर बने। बैटर किस तरीके से होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, लेते हैं इस जगह पर डाल डालेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं है। तो मैं दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी दरदरा सा है। हमें एकदम स्मूथ पीसना है। मैं जब ऐसा कर रही हूँ तो मेरे हाथ को काफ़ी दरदरा बना रहा है, तो इसे हम अभी एक बार और ग्राइंड करेंगे। परफेक्ट है, एकदम स्मूथ है, मेरे हाथ में बिल्कुल भी इसमें दरदरा पर नहीं आ रहा है, एकदम स्मूथ है। ये बैटर एकदम परफेक्ट है, इसी तरीके से बनना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इसकी थिकनेस है, बिल्कुल इसी तरीके से बनना चाहिए। मैं एक बार सारा पीस लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं भूल गई थी बताना। ये जो हमने मेथी के दाने लिए थे, फुलाए थे, ये हमें इसमें मिक्स कर देना है। उड़द की दाल, चने की दाल और चावल, ये हमें एक साथ फूलने के लिए रख देना है। 5-6 घंटे के लिए इनफ है, लेकिन ये जो मेथी के दाने हैं ये अलग फूलेंगे, लेकिन पीसते टाइम हम इसे एक साथ मिक्स कर देंगे, हमें इसे अलग नहीं पीसना है। तो मैं भूल गई थी, दाल चावल सब मिक्स करके अच्छे से उसमें पीस लिया है। हम एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आप नमक अभी ऐड मत करना। जब आप बनाने जाना ना इसको, तब इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं तो इसमें खट्टापन आ जाता है। खट्टापन तो उसमें कभी भी नहीं होना चाहिए। और मैं इसकी थिकनेस आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये किस तरीके से होना चाहिए। इसकी लेयर बिल्कुल ऐसे एकदम, ये एकदम परफेक्ट है, ना ही ये ज़्यादा थिक है ना ही ये ज़्यादा पतला हो रखा है। और एक बात और, इसको जब रात भर हम इसको ढक करके रख देंगे और हम इसे कल चेक करेंगे, इसमें फर्मेंट अच्छे से हो जाएगा, तो हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसी टाइम नमक ऐड करिए इसमें और फिर इसको बना लीजिए। पूरे में नमक कभी भी ऐड मत करना। अगर आपको जब बनाना है डोसा तभी आप उसमें नमक ऐड करना और तभी आप उसको बना लेना, तब आपका जो डोसा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और एक बात और, अगर आप फ्रिज में इसको रख रहे हैं ना स्टोर करके,
तो फिर इससे तुरंत बाहर निकाल के इसको आपको तवे पे कभी भी मत रखना, वरना तभी आपका डोसा जो है तवे पे चिपकता है। जब आपको फ्रिज में से अगर आप निकाल करके बना रहे हैं तो आपको कम से कम आधे घंटे के लिए आपको फ्रिज से पहले बाहर निकालना होगा, उसके बाद हम इसको तवे पर रखते हैं फिर हम इस पर डोसा बनाते हैं। बाकी मैं कल आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर ये कुकर में अरहर की दाल को बॉईल कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला है। ये अभी इसमें हमें नमक नहीं डाला है, हल्दी भी नहीं डाला है, मैंने सिर्फ अरहर की दाल को लेकर के इसको बॉईल कर लिया है। बाकी की सब्जियाँ मैं अलग से बॉईल करूँगी, आप चाहे तो सब्जियों के साथ में भी इसे बॉईल कर सकते हैं, बट मैंने अरहर की दाल को अलग से बॉईल किया है। तो अब मैं सब्जियाँ बॉईल करूँगी, तो मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या सब्जियाँ ले रही हूँ। ये मैंने 4 आलू लिए हैं, ये उबले हुए आलू हैं, 4 हरी मिर्च डालूँगी, ये 1.5 कप के आसपास घिया है, 2 कटोरी कद्दू है, और ये बीन्स हैं, ये भी मैंने 1/2 कटोरी के आसपास लिया हुआ है, ये बीन्स है। इसकी जगह पे हम आप वैसे कोई भी सब्जियां यूज कर सकते हैं। और कुछ मसाले ऐड करूँगी, इसमें मैं ऐड करूँगी ये नमक आपके स्वाद के अनुसार, ये मैं गुड़ डालूँगी इसमें, थोड़ा मीठापन भी अच्छा लगता है सांभर में। तो मैं 10 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो आई थिंक मेरे को 2 गुड़ लग जाएगा। हाँ, तो मैं ये 2 गुड़ इसमें डालूँगी, और हल्दी डालूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, और ये नमक डालूँगी। ये 3 मसाले मैं डाल करके और इन सारी सब्जियों को मैं डाल करके एक बॉईल लगा लेती हूँ मैक्सिमम 3 से 4 सीटी आने तक, उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे इमली को भी गर्म पानी में 1/2 घंटे के लिए फूलने को रख दिया था, आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम इमली क्या इसको अच्छे से मैश करके इसे छन्नी से छान लेंगे। तो सबसे पहले हम डोसा में भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सॉरी मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना यार कि कैमरा भी हैंडल करो और फिर आप खाना भी बनाते रहो, सच में यार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप जो भी खाने में ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले लें। उसके बाद ऑयल देखिए यहाँ पे गर्म हो गया है, वंस अगेन सॉरी मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि मुझे बार बार कुछ सामान भी लेना हो तो हिलना तो पड़ेगा, तो इस वजह से वो हिल रहा है। इसमें राई डालेंगे, जब आपकी राई अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला हम डालें वो जले नहीं। तो मैं यहाँ पे मिर्ची का पेस्ट ले रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कटी हुई मिर्ची भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी नमक मैंने यहाँ पे पानी इसलिए डाला था ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और बस अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और जब इसमें ऑयल ऊपर आने लग जाए मसाला पक जाए तो हम इसमें बस अपना आलू डाल के स्टफिंग रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखिए ऑयल इसमें कितने अच्छे से ऊपर आ गया है, और हमारा ये मसाला बस रेडी हो गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे अपना बॉइल्ड पटेटो, डोसे का बैटर इज रेडी। इसमें ये जो हल्के हल्के से ये राई के दाने आ रहे हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसके बाद फिर मैं आपको डोसा बना के दिखाऊँगी। तो ये देखिए मेरी सब्जी बन करके रेडी हो गई है, लेकिन जो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा साबुत दिख रहा है इसे मैं अच्छे से दबा दबा करके ऐसे करके इसको थोड़ा मैश कर लूँगी, उसके बाद हम इसमें दाल मिक्स करके बस हमें इसे तड़का लगाना है। तो मैं आपको जल्दी से इसका तड़का दिखा देती हूँ, उसके बाद हमारा सामान रेडी है। मैंने इसको यहाँ पे इतना पतला रखा है, आप देख लेना आपको इतना चाहिए होगा। और ये जो सब्ज़ी आती है ना थोड़ी सी में ये बहुत अच्छी लगती है, तो हाँ इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे सांभर का मसाला। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर के सांभर का मसाला ले रही हूँ, सांभर बने और सांभर के मसाले बिना क्या ही मज़ा। और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है,
और इसमें हम डालेंगे, इसको मैं कम कर देती हूँ, इसमें हम डालेंगे ये थोड़े से मेथी के दाने और ये सरसों यानी कि राई। मैंने अभी धनिया काटा था जिस वजह से मेरे हाथों में थोड़ा सा धनिया का पत्ता आ गया है, और ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और करी पत्ता भी डालेंगे, लेकिन करी पत्ता मेरे पास अभी है नहीं तो मैं वो स्किप कर रही हूँ। आपके पास जब हो तो आप ज़रूर डालना, चेक कर लेंगे। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें ये डाल देते हैं। एक मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च एक चम्मच के आसपास, और बस ये तड़का रेडी है। और अब हम इस, मैंने इसमें तड़का लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं कितना यम लग रहा है ना। और ये धनिया, क्योंकि मेरे पास करी पत्ता नहीं है तो मैं इसमें थोड़ी सी धनिया बारीक कट के डाल देती हूँ। और मैं एक चीज़ इसमें आपको बताना भूल गई थी और मैंने वो वीडियो में भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ, जो कि है इसमें इमली का पानी। ये देखिए, ये रहा मेरा इमली का पानी एक गिलास, वो हम इसमें पूरा करके डाल। अब मैंने अपना लंच निकाल लिया है, मैंने ये डोसे को ऐसे कट करके खाऊंगी मैं।